बोल पा रहे हैं, हम काम देख पा रहे हैं, उन्होंने मौका दिया। ये हो जाएगा, इसके बाद मैं मेरा नाम सिकंदर सिंह है, तो मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कलारम्भ का जो ये इवेंट है, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑल इंडिया से मेरे ख्याल में 80 लोग आए हुए हैं यहाँ से, तो जो 10 तो मेन आर्टिस्ट हैं, बाकी 70 आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो वो हैं। इसी मकसद दो चीज़ों का है कि कलाकार ब्यूटी को पेंट करना चाहते हैं, तो एक तो ये उस मकसद से आए कि ब्यूटी तो है ही है, इससे अच्छा तो इंडिया में कुछ सुंदर है ही नहीं है। और दूसरा ये है कि मैसेज भी है कि अभी ये खौफ निकालें, जब तक आप खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं करते तो आप किसी चीज़ को जज ना करें। तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये देखिए आप लोगों का, आवाम का इतना प्यार मिल रहा है, तो वो प्यार हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम निखार, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ एंड यहाँ हम कलारम इवेंट के थ्रू आए हैं, जहाँ अराउंड 80 आर्टिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं टू पेंट कश्मीर, टू कैप्चर कश्मीर ब्यूटी, जो यहाँ का इंडिया का पैराडाइज कहलाया जाता है। सो बस आज हमारा फर्स्ट डे है और हम घंटाघर पर आए हैं। कलारम्भ बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका है अलग अलग जगहों पे, जैसे कलकत्ता, बनारस एंड बूंदी, तो इस बार कश्मीर प्लान हुआ। पहली बार हुआ है कश्मीर में, आई डोंट थिंक पहले ऐसा कोई इवेंट हुआ है यहाँ पे, एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब एवरीबडी इज़ सो नाइस, सो लविंग, कि काम करके भी मज़ा आ रहा है। सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो एग्जीबिशंस भी लगाते हैं, सो जिसने आगे जाके जैसे करना है। काफ़ी जगह तो ऐसा होता है कि पेंटिंग्स आपकी लोकली भी बिक जाती हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है, सब ट्रैवलर्स जितने भी आ रहे हैं सबको यहाँ आना चाहिए। ऐसी जगह पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है, सो इट्स वर्थ द विज़िट।